मैं सलीमुल्लाह शेख चेयरमैन सिंध एसोसिएशन ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर देश के प्लेटफॉर्म से और यहाँ बैठे दीगर जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबरान है उसकी तरफ से आपका मैं मशहूर हूँ, आप हमें मीडिया कवरेज दे रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है वो ये है कि हमारे इंजीनियर जो है वो काफी टाइम से बहुत सालों से एक नाइंसाफियों का शिकार है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं आप सबको ये मुतल्लिक करना चाहता हूँ और कंसर्न अथॉरिटीज को बताना चाहता हूँ कि इंजीनियर काफी टाइम से काफी हमारे जो इंजीनियर है जैसे आप देखें कि डिप्लोमा होल्डर्स और बीटेक होल्डर्स ये बड़ी बड़ी पोस्टों पर तैनात हैं और ये किसकी परमिशन से हो रहा है। यहाँ जो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स है आप देखें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में देखें या आप प्राइवेट फर्म्स में देखें वहां पर डिप्लोमा होल्डर और बीटेक होल्डर्स बड़ी बड़ी पोस्टों पर तैनात है। जैसे आप देखें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स एक्सीएस एसी चीफ इंजीनियर्स और आप देखें असिस्टेंट डायरेक्टर्स या डिप्टी डायरेक्टर्स या फिर पीटी और डीजी लेवल पे डिप्लोमा और बीटेक होल्डर्स तैनात है और ये हमारे जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स के साथ बिल्कुल ज्यादती है, नाइंसाफी है, ये इनजस्टिस हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। हम बहुत परेशान होकर मजबूर होकर हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारी जो सेज की एसोसिएशन है ये रजिस्टर्ड एसोसिएशन हमारे जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ये सारे हमारे जो सेंट्रल मेंबर हैं आज मजबूरन हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूं कि ये जो डिप्लोमा होल्डर्स कल्चर डिपार्टमेंट में रखा है ये कल्चर एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट है, वर्क्स एंड सर्विसेज है, एजुकेशन है, पब्लिक हेल्थ है और एग्रीकल्चर है और बहुत सारे डिपार्टमेंट जैसे यूनिवर्सिटीज है। आप मुझे बताएं एजुकेशन वर्क्स में भी यही हाल है, बुरा हाल है। डिप्लोमा और बीटेक होल्डर्स को तैनात किया गया है और बड़ी बड़ी एक्सीएल और बड़े बड़े पोस्टों पर हमारे जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स कहां जाए जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज से पास होकर आते हैं उनको पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड है वो कहां जाएंगे बेचारे? वो जाके छोले और ये चने ये बेचे जाके या शॉप खोले। अब आप मुझे ये बताएं, अब ये मैं सारा पलंदा लेकर आया, ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का एक्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, पीजी एक्ट जो 1976 में पार्लियामेंट शुदा पार्लियामेंट से नाफिज अमल में आया। 1976 में पीसी एक्ट डिफाइन करता है कि प्रोफेशनल इंजीनियर वो है, ये मैं आपको डेफिनेशन बताऊं, ये पीसी एक्ट है। ये आप देखें कि जो जिसको डिग्री होगी वो परदेश द डिग्री फ्रॉम दी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी जैसे मेलान यूनिवर्सिटी है, एनईटी है, कायतवान है, ये जो रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटीज है जो एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज है वही ग्रेजुएट इंजीनियर्स प्रोफेशनल इंजीनियर है। अब हम आपको ये बताने चले कि ये नॉन प्रोफेशनल इंजीनियर्स हैं जो डिप्लोमा और बीटेक होल्डर्स जो तैनात हैं जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे काम कर रहे हैं। आप मुझे मैं आपको एक बात बताता चलूं कि पीसी एक्ट अंडर सेक्शन 27 के तहत ये क्रिमिनलाइज है, ये जुर्म है, ये जुर्म है, 6 महीने की इंप्रिजनमेंट है, कैद है, सजा है और 10,000 रुपया 10,000 जुर्माना है। ये पीसी एक्ट में डिफाइन किया हुआ है अंडर आर्टिकल अंडर सेक्शन 27(1) के तहत जो एम्प्लॉयर होगा यानी डिपार्टमेंट की जो सेक्रेटरीज है जो उनको तैनात कर रहे हैं पोस्टिंग कर रहे हैं वो भी 6 महीने की सजा होगी उनको। और आपको मैं बताना चलूं यहां पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आ चुकी है जो 2018 में उन्होंने जजमेंट की हुई है वो यहां पर ये आपको दिखाऊं, ये भोलाबर शेख केस सीपी नंबर 78K के तहत आपके यहां पर जजमेंट आई के भाई आप किसी भी ये काशन कोर्ट है कि प्रोफेशनल इंजीनियर को रखे नॉन प्रोफेशनल इंजीनियर्स का जुर्म होगा अगर कोई भी रखेगा उसको 6 महीने सजा है। अब यहां पर हालिया में आप देखिए कल्चर डिपार्टमेंट में डिप्लोमा होल्डर और बीटेक होल्डर को रखा गया है किसकी परमिशन से? ये 6 महीने सजा है आपको और 10,000 जुर्माना है। और यहां पर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने
ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने लेटर्स निकाला चेयरमैन ने चीफ मिनिस्टर साहब को, सैयद मुराद अली शाह साहब को और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जैसे वर्क और सर्विसेज, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, इवन प्राइवेट को भी, कि आप डिप्लोमा होल्डर नॉन प्रोफेशनल इंजीनियर्स को नहीं रख सकते। लेकिन उसके बावजूद सरासर मुसलसल ये रखते जा रहे हैं, तैनात करते जा रहे हैं, जो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मैं हम यहां पर इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे, वरना हम एहतजाज की काल लेते हैं। दूसरा मैं आपको ये बताता चलूं, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने फिर रिपीट करके 2020 में जनवरी में और ये चीफ मिनिस्टर साहब ने चीफ सेक्रेटरी को भी लेटर लिखा कि भाई आप इसमें एक्शन लें, और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने चीफ सेक्रेटरी को लिखा, ये लेटर है उसका, उन्होंने भी कहा कि आप ये स्टॉप करें। फिर ये चीफ सेक्रेटरी ने सर्विसेज को भी लिखा कि भाई आप सारे सेक्रेटरीज को लिखा है कि एजुकेशन पब्लिक है जो भी है, कि भाई आप नॉन प्रोफेशनल इंजीनियर को नहीं रख सकते, ये क्रिमिनल क्राइम है, ये जुर्म है। तो मैं ये कहूंगा कि इनको फौरी हटाया जाए और हमारे सबर का पैमाना जब लिबरेट हो जाए आप उससे पहले इनको हटाया जाए, ये क्राइम है, ये जुर्म है। दूसरी बात ये कि यहां पर हमने सिर्फ एसोसिएशन ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर की तरफ से भी हमने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज को भी लेटर लिख चुके हैं और यही कहा कि भाई ये जुर्म है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने भी आपको मना किया है, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी मना किया है, चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी मना किया है, फिर क्यों रख रहे हैं? आखिर आपका इंटरेस्ट क्या है इसमें, हमें बताएं, आप इंटरेस्ट बताएं हमें। और अब मैं आप दूसरा इशू जो हमारे इंजीनियर्स के साथ हो रहा है, मैं तो खुद परेशान हूं कि आखिर उनको मसला क्या है टेक्निकल अलाउंस देने में, जबकि आप मेडिकल प्रोफेशनल्स को आप मुख्तलिफ मेडिकल अलाउंस दे रहे हैं, आप हेल्थ केयर अलाउंस दे रहे हैं, लाखों रुपए उनको सैलरी है और आप जो है नॉन प्रोफेशनल्स को आप अलाउंस दे रहे हैं, और यहां इंजीनियर 40,000-30,000 में नौकरी कर रहा है। शर्म आने का मकाम है, धूप बनने का मकाम है, इंजीनियर 30,000-40,000 से सर्विस कर रहा है। आप प्राइवेट फंड्स में जाएं, आप देखें कि 20,000 रुपए में मेरे पास कंप्लेंट्स आ रही है कि सर हमें 15,000-20,000 की जॉब चाहिए। इंजीनियर्स को जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, आप हमें यह बताएं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है उनको 20,000, जो लेबर है, जो मजदूर है उसकी भी तनख्वाह 20,000 है, डेली 1,500-1,000 रुपया कमा रहा है और हमारे इंजीनियर 15,000-20,000 रुपए। हमें टेक्निकल अलाउंस दिया जाए और फी अलाउंस अलग है, फ्यूल अलाउंस अलग है और हाई रिस्क अलाउंस होता है। हमारे जो बहुत सारे कंस्ट्रक्शन साइट पे बड़ी बड़ी कार बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स में काम कर रहे होते हैं, वो बेचारे कभी भी उसको इंजरी हो जाए या डेथ हो जाए तो वो उसको रिस्क अलाउंस दो भाई, उसको रिस्क अलाउंस दो। आप वो डॉक्टर्स को दे रहे हो जो कोरोना से एक आदमी मरा है, हमारे इंजीनियर्स हजारों इंजीनियर्स मर रहे हैं, कभी कोई बिल्डिंग से गिर रहा है, कभी कोई मशीन में हाथ आ रहा है। आप मुझे बताएं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हाई टेंशन जोन में काम कर रहे हैं, अभी हाल ही में बहुत सारे इंजीनियर करंट की वजह से मारे गए बेचारे शहीद हो गए, उनका कोई उस सारे हाल नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है। हम इंजीनियर्स क्या बस ऐसे यतीम है? सिर्फ गवर्नमेंट से हमारा मुतालबा है, कैंसर अथॉरिटी से मुतालबा है, गवर्नर इमरान इस्माइल साहब से मुतालबा है, टाइम कि हमारे टेक्निकल अलाउंस के लिए कुछ करें, हमारे और कुछ अलाउंसेज हैं उनके लिए कुछ करें, हमें फौरन ये मुहैया की जाए। केपीके में भी मिल चुका, आजाद कश्मीर में भी दे दिया गया है, पंजाब में भी टेक्निकल अलाउंस दे दिया गया है और गिलगित बल्तिस्तान में भी हो गया। हमारे एक बाहर सूबा है जिसका कोई पूछने वाला नहीं, वहां पर यहां पर टेक्निकल अलाउंस नहीं दिया जा रहा। क्या हम कानून की खिलाफवर्जी कर रहे हैं? क्या हम अपने राइट्स का पूछ रहे हैं तो क्या हम कानून की खिलाफवर्जी कर रहे हैं? हमने प्रोटेस्ट किया, हमें पुलिस ने फार्माघाट अरेस्ट कर लिया और 1-2 घंटा रखकर 3 घंटा हम पर ज्यादती करके मारपीट करके पैसे निकालकर और हमें रिलीज कर दिया गया। भाई हम पे एफआईआर दर्ज करो, हमारा जरूरी है कि हम अपना राइट्स मांग रहे हैं, हम आवाज उठा रहे हैं। तीसरा जो इशू है इंजीनियर्स के साथ वो अच्छा, उसके लिए मैं आपको टेक्निकल अलाउंस के लिए बात बताऊं कि चीफ मिनिस्टर साहब ने चीफ सेक्रेटरी को लिखा, वो भी लेकर मेरे पास पड़ा हुआ है, वो भी उन्होंने ये कहा
कि भाई आप इनके लिए कुछ करें, ऐसे कुछ करें, लेकिन अभी तक एक साल दो साल हो गए, कोई उसकी प्रोग्रेस नहीं है। तो काइंडली टेक्निकल अलाउंस हमें दिया जाए इंजीनियर्स को। तीसरा जो इशू है वो है जो यूनिवर्सिटीज के जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स बेचारे चार साल पढ़कर निकल रहे हैं, वो डिग्री होल्डर्स हैं, अब वो इंजीनियर्स हैं। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल उनको अर्बिटेट नहीं करते, अर्बिटेशन नहीं दे, उनको रजिस्ट्रेशन नहीं दे। हम भी तो रजिस्टर है ना, तो आप हमें उनको ये बताएं, मैं यूनिवर्सिटी से भी पूछता हूँ, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से भी पूछता हूँ कि उनका बेचारों का क्या कसूर है, उनके माँ बाप ने उनको पढ़ा लिखा कर भेजा, लाखों रुपए उन पर लगाया और चार साल मुसलसल उन्होंने असाइनमेंट, एग्जाम, सेमेस्टर वाइज प्रिपरेशन की और उनको इंटरव्यूज दिए, उनका सिला क्या मिला? वो आज दरबदर है, उनको जॉब नहीं मिल रही और वो प्रोटेस्ट कर करके थके। तो भाई आप इंटेक क्यों करें, न्यू एडमिशन क्यों कर रहे हैं? सालों से न्यू एडमिशन हो रही है, कमाई पे कमाई कर रही है। अब आप इस लाटा के डर के देखें, वो अभी तक अर्किटेक्ट नहीं हुए, नवाब शाह के नहीं हुए, और यहाँ पर देखें कि नवाब शाह और ये लाटकाने वाले बेचारे वो प्रोसेस कर करके थक गए। अब यूनिवर्सिटीज जो है वो लेबोरेटरीज अपडेट नहीं कर रही, ये जो वाइस चांसलर जो भी है, मेरे ख्याल में सलीम रजा समू साहब है, जो भी है, आई डोंट नो कि क्या नाम है, वो उन्होंने लेबोरेटरी अपडेट नहीं किया, जो भी नहीं किया, भाई आप अपडेट करें। और आप लड़कों का क्या कसूर है जो पढ़ के आए, अब वो कह रहे हैं कि सर हम सुसाइड करें, इनका जिम्मेवार कौन होगा? उनको रजिस्टर क्यों नहीं किया जा रहा? आप मुझे बताएं, यूनिवर्सिटी से आप ये किया होगा, आपने भी जर्नलिज्म में किया होगा, आपसे पूछ रहा हूं मैं, आपने जर्नलिज्म में किया होगा, आपको डिग्री जैसे ही मिली आप रजिस्टर्ड है ना। हमारे इंजीनियर्स के साथ ये प्रॉब्लम जो 500-600 आपको अपडेशन करनी है, जो लड़का पढ़ के आया बैंक नहीं है, पोजिशन होल्डर है और जो भी है, उनको आप रजिस्टर क्यों नहीं कर रहे भाई? अजीब बात है। चौथा इशू सर, आप चौथा इशू खालिद साहब, चौथा इशू ये है कि माजद के साथ हमारे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इंस्टीट्यूट है वो इंडिपेंडेंट है और माशाल्लाह हम काफी देखा है मेरिट पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन उनका जो सर्विस थोड़ी सिलेबस स्ट्रक्चर है एग्जाम का, उन्होंने इंजीनियर्स का क्या किया है, कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लगा, जो सरासर जाती है उनकी एज का प्रॉब्लम हो रहा है, वो 28 और 30 एज रहती है और सारे जो पोस्टों के लिए एज है 45 ईयर्स 45 साल और हमारे इंजीनियर्स 28 और 30 साल, ये कहां का इंसान है? और 12 पेपर देते हैं, 12 पेपर, इंग्लिश जनरल नॉलेज यानी पाकिस्तान स्टडी इस्लामिया ये सब कुछ देना होगा, फिर हम पढ़ के आए सर्वे ड्यूरी ऑफ स्ट्रक्चर जो भी हमारे प्रोफेशनल सब्जेक्ट है वो भी पढ़े, बट वो भी हमें 10-12 सब्जेक्ट वहां देने होंगे 3-3 घंटे के ड्यूरेशन। मेडिकल प्रोफेशनल के साथ आप एमसीक्यू लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, जस्ट लॉ प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनके भी एमसीक्यू लेते हैं, आप इनसे 12 सब्जेक्ट का क्यों ले रहे हैं भाई? आप काइंडली इनका जो एक कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम से निकाले और आपका जो फेडरल प्रोफेशनल कमीशन का स्ट्रक्चर है आप देखें, इंजीनियर्स का क्या होता है 25 मार्क्स इंग्लिश का होता है 20 मार्क्स और 18 मार्क्स जो होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं इंस्टीट्यूट, आप उन पे देखें। ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, ये आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के तहत ये बिल्कुल ये डिस्क्रिमिनेशन है इंजीनियर्स के साथ जाती है, ना कि सिविल सर्विस कमीशन वहां पर अमल कर रही है। हमने बहुत दफा लेटर्स दिए, ये सारे इसमें है। और मैं अब दूसरे मेम्बर को कहूंगा कि वो इन पर थोड़ी रोशनी डालें। जो भी इसके लिए काफी बनाए हैं, मैं
हमारे को सरप्लस नहीं दिया जा रहा। आज मजबूरन हमने पहली बैठक में पहली तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आइंदा अगर हमारे इस स्तर पर कॉन्फ्रेंस जो है वादा किया है उसको इस्तेमाल करते हैं। मजबूर करना चाहते हैं कि बड़ा मेहरबानी बड़ा करो हमारे ऊपर हमारे जो डिमांड्स है उस पर गौर किया जाए और ना कि हालात आगे जाके शदीद किसी हद तक में जाए, हमारी रिक्वेस्ट को कबूल किया जाए। हम वतन सैयद मुराद अली शाह साहब इस्माइल साहब जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव है प्रोविंस के, हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं इमरान खान साहब या मोहतरम बिलावल रज़ाई साहब सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इंडियस फोरम की जो इसी तरह से देश की तरफ से जो जो हमारी जायज हुकूक है उन पर रोशनी दी जाए और ताकि हम जो है हमारे जो है जो अनसर्टेन पोजिशन है हमारे अंदर वो खत्म हो। मैं इस बात को देख उम्मीद करके रिक्वेस्ट के साथ इस बात को खत्म करता हूँ। इन शाह हमारे लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे लिए कारण होता है। शुक्रिया। हम यहाँ पर सिंध एसोसिएशन ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर्स स्टेट और इनका भी दोस्तों के कम्बाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस इनको अपने जायज हकों के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं ज्यादा तो सलीमुल्लाह शेख साहब ने और फिर साहब ने बता दिया, बाकी मैं एक दो मिनट दूंगा। हम जायज मुकाम के लिए दो साल से ये जाने पर हम यहाँ पर सब ग्रेजुएट इंजीनियर जो बी हम की भी हम अपनी हकों के साथ इकट्ठे हुए हैं। जो साहब ने बताया टेक्निकल अलाउंस का मसला था उस पर हमने कराची हैदराबाद सरकार समेत प्रोटेस्ट भी कर चुके हैं, मैंने धरने भी ले चुके हैं जहाँ पर हमारे दो थरेस भी हुए थे दो की तरफ हैदराबाद भी हम पर लाठी चार्ज हुआ था। तो हमने फाइनली आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वही इशू है एक नॉन टेक्निकल नॉन प्रोफेशनल डिप्लोमा होल्डर डिप्लोमा मीन्स मेट्रिक पास उनको हमसे आप कंपेयर करते हैं बी होल्डर, लेकिन इधर के बाद चार साल हम ग्रेजुएशन करें बी करें तो हम जब फील्ड में आते हैं तो डिप्लोमा होल्डर्स को हमारे मतलब इक्वल किया जाता है। और यहाँ पर खाली जैसे भाई ने बताया कि कोई मकी साहब कल्चर डिपार्टमेंट खाली कल्चर डिपार्टमेंट का मसला नहीं है, हमारे पास मेंटेनेंस सर्विस डिपार्टमेंट एजुकेशन वर्क्स पब्लिक है जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है सिंध के वहाँ पर सब डिपार्टमेंट की यही हालत रही पड़ी है। डिप्लोमा होल्डर्स आला पोस्टों पर पाए हैं और हम एजुकेशन वर्क्स पब्लिक है जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है सिंध के वहाँ पर सब डिपार्टमेंट की यही हालत रही पड़ी है। डिप्लोमा होल्डर्स आला पोस्टों पर पाए हैं और हम अपने लीगल तरीके से जायज तरीके से प्रोटेस्ट किए हमने तीन सूबों में देखे ना एक अंधेरे में भी ये यहाँ पर एक अंधा कानून है तीन सूबे जहाँ पर बलोचिस्तान और सिंध को छोड़कर बकाया सूबे गिलगित बल्तिस्तान पंजाब के टीके में 1.5 को बेसिक पे टेक्निकल अलाउंस मिल रहा है ग्रेजुएट इंजीनियर्स को जो भी मुख्तलिफ गवर्नमेंट सरकारी नेतृत्व काम कर रहे हैं, मगर अभी तक हमारे पास दो तीन साल से कोई कुछ भी नहीं मिल रहा। हम वही मुकाबला कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट से, वजीर आजम साहब सिंह ने हमारे जायज मुकाबला माने जाए आप हमें मजबूर ना करें हम गुरु बनाए रास्तों पर आए। और इसके अलावा अभी यही हम रिक्वेस्ट करते हैं बाकी ये नॉन प्रोफेशनल डिप्लोमा होल्डर्स को हटाया जाए वो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के कानून के खिलाफ वर्जी और हमारे मतलब बी होल्डर्स के हकूक पर डाका डाला जा रहा है। दूसरा हमारे यही मुताबा आए थे टेक्निकल अलाउंस हमारा अप्रूव किया जाए, हम शुक्रगुजार हैं ये सिंध हुकूमत के और हमारे मतलब ये पाकिस्तान गवर्नमेंट के। इसके अलावा आखिर में यही मैं बोलूंगा अगर हमारे ये मुताबा ना माने गए तो आगे हम कोर्ट में भी जा सकते हैं परमिशन भी कर सकते हैं। बड़े धन्यवाद। और ये जो सारे सवाल सामान जो उठाए हैं ये बिल्कुल जायज मुलाकात है और हम चाहते हैं कि जो जायज मुलाकात इतने भी हैं हम भी इम्प्लाई हैं ये भी इम्प्लाई हैं ये इम्प्लाई का हक है कि उसको उसका हक दिया जाए। टेक्निकल अलाउंस देने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि टेक्निकल अलाउंस इनका हक है, ये टेक्निकल बंदे हैं ये टेक्निकल साइड पर काम
करते हैं, उनके लिए ये टाइमिंग का भी कोई इशू नहीं होता। कभी ये रात तक अगर राइडों पर काम कर रहे होते हैं तो टेक्निकल अलाउंस उनका राइट टाइम को दिया जाए। और हमारे सपोर्ट से मुलाकात है कि जितने भी जाए उन्होंने बताया है इनका इसलिए वो जल्द से जल्द हल किए जाए। हमारे एक का भी पौधा रिसेंट गवर्नमेंट में वो करते हुए हैं, 2018 में हमारी एक जिला हुआ था, उसके बाद जनता नहीं हुई, उसके बाद हमारे 13 मीटिंग जो है उनको टाइम से मिला था, वो भी जमीन इसलिए काम जागरूक करके भेजी है, वो मना डिपार्टमेंट पड़ी है फरवरी 2019 से। अभी तक जो है उसको जिन लोगों ने वो कामदार करके वो 13 मीटिंग में
कि भाई आप नहीं रख सकते डिप्लोमा या बीटेक या जो भी हो, यार आप मुझे ये बताएं कि कोई कंपाउंडर डॉक्टर या सर्जन बन सकता है? फिर हम भी डिप्लोमा करके बैठे दो साल में तीन साल में एक कॉलेज से करके हम बैठे हैं बीटेक और डिप्लोमा करके, फिर बी का तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग का कोई फर्क नहीं है, पीएचडी का कोई फर्क नहीं है, तो भाई हम फिर हम क्या करें? हमारी डिग्री हमारी पोस्टों पर आप क्यों साइन अप करें? आप इनको टेक्नोलॉजिस्ट करके रखिए ना। ये आपका जो सवाल है उसका ये जवाब देना चाहूंगा, ये एक तो कानून की गिरावटी है, सुप्रीम कोर्ट ये क्रिकेट का कोर्ट है, और ये अगर आप प्रमोशन करेंगे तो आप इसको टेक्नोलॉजिस्ट करके रखिए, आप साइड पे हो, आप एक्सिंग ऑफ चीफ और ये आप कल्चर डिपार्टमेंट में हमारे जो इंजीनियर है उनके साथ जाती हुई अभी, और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में वर्क और सर्विसेज हुआ, एजुकेशन हुआ, पब्लिक सारे डिपार्टमेंट से अंधे नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, और ये मुसलसल किया जा रहा है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया शुक्रिया सर, मेहरबानी तमाम दोस्तों। वैसे कल्चर डिपार्टमेंट में या जेके भी असा पब्लिक हेल्थ आ वर्क सर्विसेज आ एग्रीकल्चर आ एजुकेशन आ इन में हाँ तुम ऐसो एजुकेशन में हाँ दादी दादी करेंटली हिंदर प्रमोट कर सर्टिफिकेट के एम करे डिप्लोमा होल्डर ए ग्रेजुएट के रखो उन में हाई कोर्ट के भी सदा सर जाती बैठे डिप्लोमा होल्डर बीटे और कंपाउंडर के कड़ी तरह प्रमोशन कर तमाम का माता का सवाल तो पूछा तुम चो पे डिप्लोमा होल्डर जो इंसान है वो तुम जी डिग्री जितनी होते तुम उतनी उनके अपडेट दे वो मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग छो आई पी एच डी छो असाके तो मास्टर्स जो अनाउंस तो मिले एटली एमफिल अनाउंस दे दें पे बेन पर असाके मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग जो अनाउंस होले असा वदी जैकन जो चुका रहे असा डिप्लोमा बीटेक वालों के मसल सर 50% यानी ये सब जो हर डिपार्टमेंट में 50% मते डिप्लोमा बीटेक होल्डर्स हैं जिनको नेदार समन में यानी टोटल मिलाओ हर डिपार्टमेंट जा तकरीबन 3000 डिप्लोमा होल्डर्स हैं। Thank you.
चेंज कराए
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए मतलब वायु मिशन जैसे हालात क्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नॉन टेक्निकल हटाए बी वाले हथ के धाड़ो खत्म कर आगे का लाइन हम ये है कि इसके बाद हम जो है नौकरी सोचाएंगे या जिंदगी घर चले जाए। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है सिर्फ गवर्नमेंट से कि जो आगे की सी से रजिस्टर्ड ही नहीं है वो एज अ प्रोफेशनल इंजीनियर ही है। प्रोफेशनल इंजीनियर वो होता है जो पी ई सी में रजिस्टर्ड होता है। डिप्लोमा होल्डर पी ई सी एक्ट के मुताबिक ऐसा इंजीनियर काम नहीं कर सकता और आगे का इंजीनियर ग्रेड भी नहीं बड़ी